एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से मौसम को लेकर अभी एक बड़ी खबर आ रही कि मौसम विभाग का यूपी के कई जिलों में पूरे हफ्ते झमाझम बारिश का अलर्ट। तो चलिए जानते खबर को विस्तार से। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखें। और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, बस इंतजार खत्म हो गया है, आज से पूरी यूपी में झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग का अलर्ट है कि यूपी में कल से मानसून दोबारा से आएगा। मौसम विभाग ने ऐसी संभावनाएं जताई हैं कि इस मानसून की वजह से पूरे हफ्ते बारिश होगी। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली NCR समेत यूपी में भारी बारिश के आसार हैं। देर रात पश्चिमी यूपी के कई जिलों में जमकर बारिश हुई, ये लगातार जारी रह सकती है। आपको बता दें, पश्चिमी यूपी के कई शहरों में 3 दिन बारिश के संकेत। पश्चिमी यूपी में मानसून का इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है। देर रात पश्चिमी यूपी के कई शहरों में हुई झमाझम बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग का कहना है कि अब लगातार बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। आसमान में बादल होने से मौसम में ठंड बना हुआ है। येलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी यूपी में बारिश का सिलसिला अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा। बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बुलंदशहर और शामली में बारिश से मौसम में बदलाव आया है। इसी बीच आपको बता दें कि कल को मेरठ का अब तक का सबसे अधिकतम तापमान 40 के पार रहा। इससे पहले आपको बता दें कि 1 जुलाई 2012 को मेरठ में 42.9 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया था। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज दक्षिणी पूर्वी हवाएं चलने से मौसम में बदलाव हो सकता है और शाम, रात या दिन में कभी भी बारिश हो सकती है। अगर बात करें आगरा की, तो आगरा में सबसे अधिकतम तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में आज बारिश होने की संभावना है। यूपी में सबसे अधिकतम तापमान आगरा में 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर नगर, कानपुर, लखनऊ, बरेली और झांसी संभाग में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इसी बीच आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिश होने के साथ साथ पश्चिमी जिलों के आइसोलेटेड स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर JP गुप्ता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में बारिश के आसार बढ़ रहे हैं। आज कुछ हिस्सों में बारिश होगी। धीरे धीरे मानसून फिर से सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि वैसे तो गर्मी और उमस से पिछले एक हफ्ते से लोगों का हाल बेहाल था, लेकिन आपको बता दें कि कल की शाम से मौसम ने थोड़ी करवट बदली है। पूर्वांचल के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई, लेकिन जो जिले इससे महरूम रह गए, वहां ठंडी हवाओं ने काम बना दिया। आपको बता दें, अगले 5 दिनों के मौसम का अनुमान जारी करते हुए मौसम विभाग ने बताया है कि आपको बता दें, 1-2 दिन से पश्चिमी यूपी के ज्यादातर जिलों में बारिश होने लगेगी। पूर्वी यूपी के जिलों में अगले 5 दिनों तक कई इलाकों में बारिश होती रहेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताज़ातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।